का मौसम कुछ दिनों से बदला हुआ है। गर्मी का एहसास शुरू हो गया। अब लोगों में असमंजस है कि गर्म कपड़े वापस पैक करके अलमारी में रख दें या ठंड दोबारा दस्तक दे सकती है। कई राज्यों में हो रही बारिश की वजह से एक बार फिर सर्द हवाएं और ठिठुरन का कहर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली और उसके सटे इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर एक बार फिर शुरू हो सकता है, जिसका असर कई मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। कैसा रहेगा मौसम? हल्के बादलों और लगातार चलने वाली ठंडी हवाओं की वजह से दिल्ली के लोगों को इस बार लंबी सर्दियों का सामना करना पड़ा, मगर अब दिल्ली के मौसम में धीरे धीरे गर्माहट महसूस की जा रही है। दिन में खिली धूप निकलने की वजह से लोगों को ठिठुरन वाली ठंड से राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का दौर देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में बर्फबारी, बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। अब पहाड़ों पर चटक धूप खिलने लगी, जिससे तापमान बढ़ रहा है। वहीं सुबह शाम लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम सूखा रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में 17 फरवरी से बारिश और बर्फबारी शुरू हो सकती है, साथ ही 21 फरवरी तक ये जारी रहेगी। वहीं 24 घंटों के दौरान बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और सिक्किम में हल्की से थोड़ी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु, साथ ही केरला में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 19 से 21 फरवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई है। दिल्ली से मरियम अली की रिपोर्ट।